गुरु की नित्य सेवा प्राप्त करना हमारा परम चरम लक्ष्य है। हम लोग गुरु के नित्य दास हैं, सनातन दास हैं। दास भूतमिदं सर्वं जगत स्थावर जंगमं श्रीमन नारायणो स्वामी जगतां प्रभुरीश्वर। तो हम नित्य दास हैं और वो दासत्व हमें कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि उसी को प्राप्त करके हम परमानंद प्राप्त कर सकेंगे। सदा सदा के लिए हरि गुरु के बन के उनके नित्य धाम में हम वास करें, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तैयारी में क्या करनी है, दो तीन चीजें हमें समझनी है। हमारे गुरुदेव एक दोहा में पूरा सार उन्होंने बताया हुआ है, वही मैं आपको बता रही हूँ। हरि गुरु का नित्य भजन करना। हम लोग भजन तो करते हैं लेकिन नित्य नहीं करते, निरंतर करना पड़ेगा। तैज धारावर दविच्छिन्न चिंतन की धारा टूटे ना, स्मरण कभी कभी करते हैं और स्मरण भक्ति ही करना है। पूजा पाठ व्रत यज्ञ ये सब कुछ तो छूट चुका है, महाराज जी ने छुड़ा दिया सब। जितने भी कर्म कांड हम लोग करते थे, यहाँ वहां जाके भक्ति करते थे, देवी देवताओं की भक्ति करते थे, ये सब तो महाराज ने छुड़ा दिया। लेकिन निरंतर स्मरण करना ये मेन बात, और निरंतर स्मरण के साथ साथ निष्काम भाव रखना ये दूसरी बात। भाव निष्काम यानी कुछ न मांगे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम संसार न मांगे, ये प्रतिज्ञा कर ले, गांठ बांध। अगर प्राण भी छूट रहे हो तो भी भगवान से नहीं मांगना है। निष्काम भाव का इतना ध्यान रखना है कि हमारे मन में संसार की कामना आने न पाए। और यदि कोई ये गलती कर रहा है, संसार की कामना ला रहा है मन में, तो ये बहुत बड़ी गलती। इसका मतलब हमारा प्यार हरि गुरु से नहीं है, संसार से। हाँ, प्रभु जी ने कहा, ए बड़ मूर्ख अमाय भजे मांगे विषय सुख। यानी मेरा भजन तो करता है व्यक्ति, कीर्तन करता है, भजन करता है, और मांगता क्या है, संसारी सुख। बहुत बड़ी मूर्खता है संसार मांगना। तो वो भी धीरे धीरे गुरु ने हमसे छुड़ा ही लिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ संसार मन में आ ही जाता है, अनंत जन्मों के अभ्यास के कारण, संस्कारों के कारण।
महाराज जी कहते हैं कि एकदम निष्कांत तो कोई नहीं हो पाएगा, उसके लिए बहुत अभ्यास करना होता है। लेकिन तुम भाव बनाओ, निष्कांत भाव रखो। उनकी इच्छा में इच्छा रखने का अभ्यास करो, उन्हीं के सुख को ही अपना सुख मानो। इसका प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, क्योंकि जैसा अभ्यास करेंगे हम वैसा ही हमारा भाव देह बनता है। भाव देह परिपक्व वैसे ही हो जाता है। तो निष्काम भाव ये हमें समर्था रति क्लास तक ले जाती है। अगर शुरू में हम मांगने बैठ जाएंगे, फिर हम सकाम रास्ते में आ जाएंगे, सकाम भक्त माने जाएंगे, फिर सकाम क्लास में हमारी एंट्री होगी। तो ये गलती भूल करके भी न करना, संसार न मांगने लग जाना, और भगवान का भी, भगवान की भी जो कामना है, ईश्वरीय कामना, दर्शन का सुख, ये भी अपने सुख के लिए नहीं करना। ठीक है, जब उनकी इच्छा होगी वो हमें दर्शन दें, जब उनकी इच्छा होगी वो हमें प्रेम दें, जब उनकी इच्छा होगी वो हमें सेवा दें। उन पे डिपेंड रहना, उन पर निर्भर रहना, इसका अभ्यास करना। जब उनकी इच्छा हो वो आए, न इच्छा हो, इस जन्म में दर्शन देना नहीं चाहते, ठीक है अगले जन्म में देंगे। उनकी इच्छा में इच्छा जोड़ दो बस। तो इच्छा रख लिया उनकी, तो ये हो गए निष्काम। केवल भाव बनाना। तो एक है निरंतरता, दूसरा निष्कामता, तीसरी अनन्यता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनन्यता। यानी हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन अन्य की भी भक्ति करते हैं साथ, यानी संसार से भी प्यार कर रहे हैं। अगर अनन्य नहीं हो पाएंगे हम लोग, तो फिर हरि गुरु हमारा योगक्षेम वहन कैसे करेंगे। संसार की भी भक्ति कर रहे हैं, स्त्री पति माँ बाप, बेटा बेटी, धन, रसगुल्ला, टेलीविजन, मोबाइल, इन सब से भी प्यार है। हरि गुरु के अतिरिक्त अगर अन्य की भी भक्ति हम करेंगे, तो फिर हम अनन्य नहीं माने जाएंगे। भगवान और गुरु को छोड़कर संसार में तीन पर्सनालिटी, एक सत्वगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। अगर सत्वगुणी लोगों से प्यार करेंगे हम, तो सात्विक फल मिलेगा। स्वर्ग के देवी देवता सात्विक हैं, सात्विक लोग जाएंगे स्वर्ग लोग, मरने के बाद स्वर्ग। ऐसे ही रजोगुणी वस्तु या रजोगुणी मनुष्यों से प्यार करना, स्त्री पति माँ बाप भाई बहन,
अधिकतर रजोगुणी है। या भोजन में आसक्ति होती है, निद्रा में आसक्ति हो जाती है, तो किसी भी रजोगुणी वस्तु या रजोगुणी मनुष्य से प्यार करना, ये भी अनन्यता में बात हो। तीसरे, तमोगुणी मनुष्य अथवा तमोगुणी वस्तु से प्यार करना, तमोगुणी वस्तु शराब नॉनवेज, और जो व्यभिचार करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो शराब पीते हैं, उनसे प्यार करना, तो तामस लोक को जाएंगे, नरक। तामस लोक, मरने के बाद नरक की प्राप्ति। तो सोच लीजिए आप कहां प्यार कर रहे हैं, मां से प्यार कर रहे हैं कि बाप से कर रहे हैं, कि स्त्री से कर रहे हैं, कि पति से कर रहे हैं, कि बेटा से कर रहे हैं। वो जिस गुण के होंगे हमारे रिश्तेदार, उन्हीं का फल हमें मिलेगा और भगवान का फल नहीं मिलेगा। तो ये भी लगाए हुए हैं हम लोग। आप लोग कहेंगे क्या हम माँ से भी प्यार न करें? जी नहीं, शास्त्र आज्ञा नहीं देते। बाप से भी प्यार न करें? जी नहीं। मरने के बाद माँ या पिता कुकर्म के कारण कुत्ते बने, तो हमें भी कुत्ते का बच्चा बनना पड़ेगा। जहां आसक्ति होगी हमारी, हम वहीं जाएंगे मरने के बाद। न भगवान बचाएंगे, न गुरु बचाएंगे। गुरु तब बचाएंगे हमें जब हम गुरु के शरणागत होंगे, गुरु को सौंप देंगे अपने आप को। तो आसक्ति गुरु में ही हो, शुद्ध पर्सनालिटी में ही हो, जड़ भरत हिरण में आसक्त हो गए, उनको दया आ गई। देखिए ये दया जो करते हैं ना लोग, किसी पर दया आ जाती है। लोग पशुओं को अपने घर में रखते हैं, कुत्ते को रखते हैं दया के कारण, बिल्ली पालते हैं तो कुत्ते और बिल्ली से भी प्यार हो जाता है। यानी शास्त्र मनुष्यों से प्यार करने के लिए तो निषेध कर रहे हैं, और हम लोग और नीचे गिर जाते हैं, कुत्ते बिल्ली पे भी आ जाते हैं। तो ये जो दया आती है, जड़ भरत को दया आ गई। संत हैं, संत हृदय में दया तो होती ही है। तो एक हिरण शेर के डर के मारे भाग रहा था, कि पेड़ में बच्चा था, नदी में कूद गया हिरण डर के मारे शेर के। तो बच्चा गिर गया नदी में, और जड़ भरत वहीं नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, उनको दया आ गई ये बच्चा मर न जाए, डूब न जाए नदी में। तो उन्होंने पकड़ लिया, उसको ले गए अंदर आश्रम में, उसकी देख रेख की। जो देख रेख की तो ममता आई, मोह आया। तो जैसे ही ममता मोह आया, उनकी परमहंस की अवस्था चली गई, जो ब्रह्मलीन अवस्था थी, परमहंस की अवस्था में वो रहते थे, निष्कपट निश्चल भाव में, वो समाधि छिन गई उनसे, और हिरण से प्यार हो गया। अब उसको पाला पोसा बड़ा किया, कुछ दिन बाद मरने लगे। जब अंतिम समय आया तो शिष्यों से कहा
कि देखो इस हिरण का ध्यान रखना, मैं तो मर रहा हूं। तो उसे हिरण का ध्यान करते हुए मरे। तो मरने के बाद उन्हें मनुष्य का देह भी नहीं मिला। हिरण बनना पड़ा। तो एक जन्म उन्होंने अपने प्रारब्ध को भोगा, प्रारब्ध को काटा। उसके बाद फिर ब्राह्मण बन के पैदा हुए। तो जब ब्राह्मण बन के पैदा हुए, अब वो पागल की हालत में रहने लगे, क्योंकि पूर्व जन्म उनको याद था, उनको सब याद था कि कैसे मैं हिरण बना और कैसे फिर मनुष्य बना हूं। तो जब ब्राह्मण बन के पैदा हुए, तो अब ये इस चक्कर में नहीं पड़े कि हम नॉर्मल रहेंगे तो लोगों में फिर आसक्ति हो जाएगी, मनुष्यों में आसक्ति हो जाएगी, फिर कुत्ते बिल्ली का चक्कर लगेगा, 84 लाख का चक्कर लगेगा। तो भगवान की शरणागति की, गुरु की शरणागति की, तब उनका उद्धार हुआ। तो किसी एक से भी अगर प्यार होगा तो फिर हमारी अनन्यता छिन जाएगी, हरि गुरु में आसक्ति नहीं हो पाएगी। तो हर जन्म में हमने संसार से ही प्यार किया और हरि गुरु में अनन्य नहीं हो पाए। तो उसको चेक करो, अपने आप को रीड करो कि मेरी आसक्ति कहाँ है। किसी वस्तु में तो नहीं है, किसी मनुष्य में तो नहीं है। तो ये अनन्यता का भाव रखना। धाम भी जा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, तन भी लगा रहे हैं और मन भी लगा रहे हैं, लेकिन मन से अनन्य नहीं हो पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अपने अपनी गलती को सुधार करो। गुरु से निवेदन करेंगे, हरि गुरु से प्रार्थना करेंगे हम, तो हरि गुरु हमारी सुनेंगे। तो उनकी हेल्प लो हरि गुरु की, उनके जनों के हेल्प लो। तो धीरे धीरे जब उनके जनों के शरण में जाएंगे, भगवान के शरण में जाएंगे, तो वो हमारी हेल्प करेंगे। तो प्रतिदिन कम से कम साधना करने का संकल्प करो, मन को हरि गुरु में लगाओ, संकल्प पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक आंसू बहाओ। जिससे प्यार होगा उसके लिए आंसू बहेगा ही। संसार से प्यार है तो संसार के लिए भी आंसू बहा रहे हैं। तो अपने मूल्यवान आंसू को संसारियों के लिए नहीं बहाना। जो गंदे मन वाले लोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त हैं, उनमें आसक्ति नहीं कर रही है। अनन्यता। और जो आंसू बहा रहे हैं प्रतिदिन हम लोग, उसमें रूप ध्यान करना कंपलसरी है। ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूप ध्यान करना। बार बार
हरि गुरु का रूप सोचो, उनके रूप में अटैच हो जाओ। अगर कीर्तन में रूप ध्यान नहीं हुआ, नहीं बना रूप ध्यान, तो वो कीर्तन नहीं है, शब्द के समान है। गुरु का रूप ध्यान करना सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हरि गुरु दोनों एक ही है, दो पर्सनालिटी नहीं है। साक्षात राधा रानी ने ही अवतार लिया है, राधा कृष्ण ने ही अवतार लिया है कलयुग में। तो राधा कृष्ण का रूप ध्यान बने तो उनका करो, नहीं तो गुरु का करना कंपलसरी है। गुरु का ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति आएगी। गुरु हमारे अंदर आएंगे और भगवान तो न्यायाधीश है, अनंत जन्मों से भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं हम, तो हमारे साथ में है ही। लेकिन गुरु के बिना भगवान हेल्प नहीं करते, इसलिए स्वतंत्र होकर भगवान की भक्ति करना ठीक नहीं है। गुरु के माध्यम से भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगा। और गुरु हरि दो पर्सनालिटी है ही नहीं हमारे लिए, एक ही तत्व है, इसलिए हरि गुरु को एक मानकर उनकी भक्ति करना। और भक्ति का मतलब है रूप ध्यान। कुछ लोग कीर्तन में यहां वहां देखते हैं, मुंह से खाली नाम लेते हैं, यहां वहां देखते हैं, यानी रूप ध्यान नहीं करते। तो ये मन तो चंचल है ही, अगर आप लोग मन को खाली छोड़ देंगे तो वो कहीं भी जाएगा, संसारी किसी भी वस्तु में मन लगेगा, कहीं भी जाके अटैच होगा, जहां उसका स्वभाव है, नेचर है। तो हरि गुरु का रूप ध्यान करना। आप लोगों की परीक्षा शुरू हो गई, कितनी देर आप लोग कीर्तन में रूप ध्यान करते हैं? सब लोग संकल्प लेकर बैठो और भोलेनाथ की नगरी है, भोलेनाथ की भी कृपा हम लोगों पर है, महाकाल भगवान की नगरी में हम लोग आए हुए हैं। तो अगर रूप ध्यान नहीं करेंगे तो वो भी अप्रसन्न होंगे, भोलेनाथ भी अप्रसन्न होंगे। इसलिए हरि गुरु दोनों की प्रसन्नता देख के और गुरु का रूप ध्यान करना कंपलसरी है। और कीर्तन हो रहा है।